We are here again, Kevin. Hi. Hi. And Aditi. तो आज यशोदा और बलराम फिर से लेकर आए हैं आप सबके लिए एपिसोड नंबर 2 ऑफ आवर क्वेश्चनेयर. ये क्या मैं बोलूँ? ये. So, आज हमारे पास एक फ्रेश लिस्ट है क्वेश्चंस की जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे, तो उसके हिसाब से हमने छांट के क्वेश्चंस निकाले हैं. हाँ. जो केविन की मम्मी कैमरे के उस साइड से बैठकर हमसे पूछने वाली हैं, और उसके बाद होगा एक सरप्राइज कॉन्टेस्ट. ये चलो तो केविन रेडी हो. हाँ. गिव मी अ हाई फाइव. ये ऑल राइट, गिव इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. स्कूल में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी. मेरा भी हिंदी था बचपन में, और फिर जब हमने साइंस पढ़ा, जो कि अभी केविन बाद में पढ़ेगा, तब मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता था. बट मुझे हिस्ट्री भी बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि केविन को बहुत अच्छा लगेगा जब वो पढ़ाई आगे करेगा तो. ओके, सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस केविन. मूवी बदमाश रावड़ी. बदमाश रावड़ी मूवी. ये गुजराती मूवी थी? नहीं, हिंदी मूवी. हिंदी मूवी थी. हाँ. और उसमें तूने क्या किया था? उसमें मैं होटल में बैठा था खाने खाने तब भी खाने खा रहा था, ये आइसक्रीम खाने गया था एक्चुअली. ओके, फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस. मैंने ड्रामेटिक बहुत किया है, तो वो अगर आप वो गिनो जो हम स्कूल कॉलेज में करते हैं, तो वो तो बहुत कुछ किया है. लेकिन पहला टीवी का एक्टिंग एक्सपीरियंस था मेरी डोली तेरे अंगना, और उसमें मैं अर्पिता का किरदार निभा रही थी, तो वो मेरा पहला शो था जी टीवी. व्हाट आर द रीजन यू लव ईच अदर? व्हाट आर द रीजंस वी लव ईच अदर? यस. ओके, व्हाट इज द रीजन यू लाइक मी? क्योंकि आप मुझे हेल्प करते हो, डांस में डांस सिखाते हो, डांस में हेल्प करते हो, मेरे साथ अच्छे से खेलते हो. ओके ओके, थैंक यू केविन. केविन का रीज़न, मुझे केविन क्यों पसंद है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही ओबीडियंट है अपनी मम्मी और दादी से, अपने पापा से, दादा से, इतना प्यार करता है. और उसी तरीके से ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड लविंग विद एवरीवन. ये हेजल से बहुत प्यार करता है, जो कि हमारी कृष्णा है. ये मुझसे बहुत प्यार करता है, और जितने भी लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट से मिलता है, और जब कैमरे के सामने जाता है तो कैमरे को प्रणाम करता है, और सबको बहुत रिस्पेक्ट देता है. तो इतना प्यारा बच्चा है ये, इसको देख के मुझे लगता है कि ऐसे ही होने चाहिए बच्चे. और अपने काम में भी परफेक्ट है, मुझे इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी लगती है और इतनी परफेक्ट लगती है. और इसके साथ मुझे खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, डांस भी ऐसे 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 सीखता है ना, तो मतलब मुझे लगता है कि ये बस मेरा बेस्ट बडी है, तो इसीलिए मुझे बहुत 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 प्यारा लगता है. आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन जिससे तुम्हें सीख मिली, और जो जो जिसको तुमको देखकर लगता हो कि अच्छा इनके जैसा बनना है मुझे. मैम, तो केविन की जो सलोनी मैम है वो इसको बहुत अच्छी लगती है, और इसकी इंस्पिरेशन है लाइफ में. मैं भी जब छोटी थी, तो मेरे जितने भी टीचर्स होते थे ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे. मेरे एक इंग्लिश टीचर थे जो अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाते थे. उन्होंने मुझे सिखाया था कि ऑलवेज एम फॉर द स्टार्स. और मुझे तो स्कूल के प्रिंसिपल सर भी अच्छे लगते हैं. मेरे एक इंग्लिश टीचर थे, वो बोलते थे ऑलवेज एम फॉर द स्टार्स, एटलीस्ट यू रीच ऑन द मून. तो इसका मतलब ये है कि आप अगर स्टार्स के लिए सोचोगे, बहुत दूर अच्छा सोचोगे, तो एटलीस्ट आप उससे थोड़ा कम, अगर आप पहुंचे भी तो उससे कम ही पहुंचोगे, ये नहीं कि बहुत कम में रह गए. तो आप हमेशा ज़्यादा ज़्यादा सोचो और ज़्यादा एम करो. तो उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा याद रहती है. मेरे जितने भी टीचर्स हैं वो इंस्पिरेशन है ही, बट साथ ही साथ हमारे जो एक्टिंग, क्योंकि मेरा करियर एक्टिंग है, हमारा करियर एक्टिंग है, तो मुझे लगता है कि शाहरुख की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, और मैं उसको इंस्पिरेशन मानती हूँ. आई वॉन्ट बी लाइक शाहरुख. किरण, फेवरेट गेम लैपटॉप में वाइस सिटी, और फोन में रोपी रो. और लैपटॉप में वाइस सिटी. हाँ. ओके, वाइस सिटी. ओके, आजकल तो मैं लैपटॉप और यू नो फोन में गेम्स नहीं खेलती हूँ. मुझे कार्ड गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं, और उसमें मेरा फेवरेट गेम है ऊनो.
और क्योंकि मैं सबको खिलाती रहती हूँ कभी कभी, तो मुझे तंबोला भी अच्छा लगता है, खिलाना ज्यादा अच्छा लगता है, खेलना भी अच्छा लगता है, बट मुझे ऊनो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं कभी इसको भी सिखाऊंगी कि ऊनो कैसे खेलते हैं। ठीक है, द कार्ड गेम्स। भूत से डर लगता है? नहीं, भूत होते ही नहीं है, शैडो ही होते हैं। अच्छा, तो मैं भूत से डर नहीं लगता, हमारे शैडो होते हैं ना, वही हमें भूत जैसे लगते हैं। केविन का कहना है कि हमारे जो शैडोज होते हैं मतलब कि भूत होते ही नहीं है। ये सही कह रहा है, मैं सिर्फ इसे छुप के बताना चाहती हूँ कि मुझे भूत से डर लगता है। ये तुम्हें किसने सिखाया कि भूत नहीं होता, शैडो होता है? मैम ने। कौन सी मैम ने? कृष्णा मैम ने। यस, तो इनकी मैम ने इनको सिखाया कि शैडोज होते हैं, भूत नहीं होता है। लेकिन मैं जब प्लेयर्स में था ना तब से, देखो बहुत अच्छी वाली ना रूहें होती हैं, यानी कि सोल्स होते हैं जो कि आपसे मिलते हैं, या आपके अगर कोई रिलेटिव्स चले जाते हैं तो वो कभी कभी होते हैं, उनकी प्रेजेंस कभी कभी लगती है। तो मुझे लगता है कि सोल्स होती है अच्छी या बुरी, उन्हीं को हम भूत बोल देते हैं ताकि हम फिल्में अच्छी वाली बना सकें और डर सकें और पॉपकॉर्न खाते खाते पॉपकॉर्न गिरा सकें। आप फिल्मों में भूत होता है, कॉन्जरिंग रियल में नहीं होता, फिल्मों में ही होता है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, सही बोल रहे, सही बोल रहे। फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है? इतना सारा है, तू बता तेरे को कौन सा अच्छा लगता है। स्ट्रीट फूड क्या अच्छा लगता है तेरे को, जैसे फास्ट फूड? पानी पूरी ना। अब इस चीज में देखो, ये बिल्कुल मेरे जैसा है क्योंकि मुझे भी पानी पूरी बहुत पसंद है। मुझे तो स्ट्रीट फूड सारा पसंद है, बट पानी पूरी, सेव पूरी, पटाटा पूरी और टिक्की होती है ना, जो दिल्ली में टिक्की मिलती है, जो नॉर्थ में टिक्की मिलती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो या पानी पूरी। फेवरेट गोला फ्लेवर कौन सा है? गोला फ्लेवर मेरा तो कच्ची कैरी। कच्ची कैरी? बस सिर्फ कच्ची कैरी या उसके साथ कुछ मिक्स? नहीं, कच्ची कैरी। इसको कच्ची कैरी पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे कोला फ्लेवर बहुत पसंद है। मैंने काफी टाइम से गोला खाया नहीं है, बट आई थिंक अगर उसमें ऑरेंज होगा और कोला होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। गोला। ओके, अभी रैपिड टेस्ट करते हैं, फटाफट आंसर देना, ठीक है? ओके, तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अब आए हैं हम रैपिड फायर राउंड में, जिसमें सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे जाएंगे और केविन से भी पूछे जाएंगे, और उसका जवाब हमें जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में देना है। पहली स्टॉपवॉच है केविन के पास, और ये देखो, और जैसे ही पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा केविन स्टॉपवॉच शुरू कर देगा, और वही मैं भी करूंगी। तो मेरा टाइम शुरू होता है अब। क्रिकेट, फुटबॉल? दोनों ही नहीं। टीवी या मोबाइल? टीवी। मूवीज या बीच? मूवीज। पिकनिक या हाइकिंग? हाइकिंग। सिंगिंग या डांसिंग? बोथ। कार्स या बाइक्स? बोथ। थ्री विशेस? थ्री विशेस। ओके, अगर जीनी मेरे सामने आ जाता है तो मैं कौन सी थ्री विशेस मांगूंगी? मुझे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड चाहिए, और मुझे एक ऐसी पावर चाहिए कि मैं एक जगह से दूसरी जगह शक्तिमान की तरह ट्रैवल कर सकूं, कहीं पर भी पहुंच जाऊं। और तीसरी विश, तीसरी विश फिल्मफेयर अवार्ड। पर तीसरी विश ये, यानी कि मुझे फिल्म्स करनी है। हाँ, ये तीन विशेज है मेरी। ओके, होगा? हाँ, ये बंद कर दो। ये लास्ट था ना क्वेश्चन? या, लास्ट था। तो ये मेरा हुआ है 45 सेकंड में। अब आती है केविन की बारी। ठीक है केविन, रेडी? रुको एक मिनट। कोई भी छोटी छोटी चीजें मांग सकता है, तो कुछ ज्यादा टेंशन मत ले। क्यों नंबर गिनी? बता दिया, बताओ। चलो, ओके, रेडी? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद केविन्स रैपिड फायर। अब क्रिकेट, फुटबॉल? क्रिकेट। टीवी या मोबाइल? टीवी। मूवीज या बीच? मूवी। पिकनिक या हाइकिंग? पिकनिक। सिंगिंग या डांसिंग? सिंगिंग। कार्स या बाइक्स? कार। थ्री विशेस? फरारी, मैं बहुत बड़ा हीरो बनूं, और तीसरा मेरी पूरी लाइफ मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ रहे। एंड हियर ही इज विनिंग इट। 28 seconds में इसने सारे rapid fire का जवाब दे दिया, and I'm lost. Kevin, you've won. Very good.
बट मेरे पास कोई कॉफी हैम्पर नहीं है तुझे देने के लिए। कांग्रेचुलेशंस केविन, आप रैपिड फायर के विजेता हैं। बट अभी हमारे पास एक और कॉम्पिटिशन है विच इज अ सरप्राइज। अच्छा तुम पहले से तैयार हो गए? ओके अब हम बताते हैं कि वो कॉम्पिटिशन क्या है। बताओ केविन क्या कॉम्पिटिशन है? बलून फुलाने। नहीं बबल्स फुलाना। देखो ये अभी भी वही बोल रहा है। ओके वी आर गोइंग टू मेक बबल्स। हमारे पास बबल मशीन्स हैं। ये जो छोटे छोटे फुग्गे नहीं फुलाते हैं, ये इन मशीन से इनसे हम बबल्स फुलाएंगे और हम ये देखेंगे कि 5 times में कौन सबसे ज्यादा बबल्स फुलाता है, जो फुलाएगा वो जीतेगा। ओके okay? okay. पहले कौन जाएगा? मैं जाऊँ या तू जाएगा? पहले मैं जाऊँगा। अच्छा ठीक है ओके Yes, Kevin, you can do it. अरे कैसे खुलता है? ऐसे नहीं खुल रहा। नहीं ये ऐसे खुलता है ये। अब फिर से डालना है तो डाल ले। नहीं ये दूसरी, ये लल्लू चांस हो गया अभी यहां से प्रॉपर चांस। ठीक है अरे बंद हो ना। ऐसे ऐसे ठीक है All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bubbles. All right. Okay. अरे बाप रे। Oh God. केविन तुम कैसे कर रहे हो भाई? ऊपर के और कैसे कर रहा हूँ? ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 plus 23 is 36. ये क्या किया तूने? ये यहाँ था। क्या हो गया? नहीं वो बस उसमें से निकला है। कौन से गेम में यार? चलो ये लास्ट चांस है इसका। ऑलरेडी केविन 36 बलून्स फुला चुका है, 36 बबल्स फुला चुका है। बलून्स नहीं बबल्स। ओके अभी खुल। खुल जा ऐसे ऐसे। खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम। ये ऐसे एक्चुअली। फिर से डाल। ओह गॉड दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड। ओ माय गॉड मैं कैसे करूंगी? ऐसे ऐसे हाँ उड़िया। हाँ 1, 2, 3, 4, 5 5 plus 33 is 38। All right अभी मेरी बारी। अरे देख दीदी एक मिनट। हाँ ये हो चुका तेरे पांच बारी तो हो चुका। मैं बंद तो कर दूँ? अच्छा ठीक है कर ला। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना? हाँ 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 plus 12 is 32. अभी मेरे पास 3 चांसेस और है तो मैंने केविन को हर दिया। तो क्या है? 1, 2, 3, 32, 35 और 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. अच्छा अब देखते हैं ये लास्ट। देखो ये मैच तो जीत गई ठीक है, आई एम द क्लियर विनर। लेकिन अब देखते हैं ये लास्ट वाला जो हम लोग कर रहे हैं, एक बार केविन करेगा एक बार मैं करूंगी, हम साथ में करेंगे। क्या है? मैं तो जीत गई लेकिन हम ये फिर से एक बार करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बनाता है। ठीक है निकालो अपनी मशीन। निकालो एक खोलो। अच्छा एक और बार
ऐसे ऐसे अच्छे से कर, अच्छे से कर। हाँ अभी खोल, तू तो टेंशन ले रहा है। अच्छा बहुत सारे, 3 4 5 6 7 मेरे 3, तो मैं इसमें हार गई, मैं इस वाले कॉन्टेस्ट में हार गई। इसने बहुत सारे छोटे छोटे, ये बहुत चलाक है हाँ, इसने बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स बनाए और ये जीत गया। बट वो बड़ा वाला कॉम्पिटिशन मैं जीती हूँ, है ना, है ना, हाँ। मैं जीती हूँ ना, पक्का ना? हाँ। कोई बात नहीं, इसी को ना स्पिरिट बोलते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप वाली स्पिरिट, ठीक है। तो तुम जब कोई गेम खेलते हो तो कभी तुम जीतोगे कभी तुम हारोगे, हाँ। और तुम उसमें नहीं जीते, रैपिड फायर में, हाँ। है ना, हाँ। तो बस इसी के साथ हम अपना सेकेंड एपिसोड खत्म करते हैं, एंड वी कम बैक विद मोर क्वेश्चंस एंड मोर गेम्स। We'll come back with more questions and more games. तब तक के लिए bye bye. 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 Bye.